अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह का अमेजिंग लोगो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वेट सेकंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाले नई वीडियो आपको सबसे पहले आए। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करके अब हम यहाँ न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करके फिर यहाँ पर हम थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके करेंगे। फिर शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ शेप लेंगे सर्कल, सही है। यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करके इसको यहाँ पर इसकी ओपेसिटी जीरो करके इसका स्ट्रोक तकरीबन रखेंगे 25, सही है। 25 रख, 30 सॉरी रख कर यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करके फिर यहाँ पर हम हेक्सागन पे क्लिक करके रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर में रखकर इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, इसको छोटा करके और इसके दरमियान में रखेंगे इस तरह, सही है। इसको यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, सही है। लेयर पे क्लिक करके इन दोनों को मर्ज करके ओके करेंगे। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे। इसको यहाँ पर तरीके से मिडल में रखेंगे, सही है। मिडल में रख कर फिर यहाँ पर अब हम लेयर पे क्लिक करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, सही है। इन दोनों को मर्ज करके फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके इरेज कलर पे क्लिक करेंगे। इसको इनेबल करके टॉलरेंस जो हम तकरीबन रखेंगे 19, इसको टिक करेंगे। फिर अब हम यहाँ दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करके शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्क्वायर लेंगे, इसको ब्लैक करेंगे, सही है। ब्लैक करके इसको यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, एक थ्री कॉपी बनाएंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पर अब एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट को हम फुल लॉन्ग करेंगे, सेकेंड को जो है वो थोड़ा शॉर्ट करेंगे और ये थर्ड को फुल लॉन्ग करेंगे, सही है। फिर तो यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करके शेप पे क्लिक करेंगे। फिर तो यहाँ से हम सर्कल खोलेंगे, सर्कल इसके मिड में रखेंगे, सही है। तो यहाँ पर हम मर्ज करेंगे, सही है। इनको मर्ज करके ओके करेंगे, स्क्रॉल करके इरेज कलर पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे, सही है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्कल बन चुका है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, सही है। इसको टॉलरेंस जो तकरीबन रखेंगे हम 19, इसको टिक करके थ्री डॉट के हम कॉपी बनाएंगे। कॉपी बना के या के एरेस पे क्लिक करेंगे, सही है। इसको यहाँ पर हम सर्कल को एरेस करेंगे, सही है। तो एरेस करके इसको यहाँ पर हम इसका एडजस्ट करेंगे, सही है। इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके इसके कलर को इनेबल करेंगे। तो कलर पे क्लिक करके यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करके इसका कलर जो है वो हम रखेंगे वाइट, सही है। वाइट करके यहाँ पर अब हम इसको टिक करेंगे, सही है। टिक करके फिर लेयर पे क्लिक करेंगे, सही है। लेयर पे क्लिक करके हम यहाँ इनको टिक करके इसका कलर भी इनेबल करेंगे, इसको ब्लू करेंगे, सही है। इसको ब्लू करके यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हम लिखेंगे डी, सही है। डी लिख कर यहाँ पर ओके करेंगे। इसको बड़ा करके इसको मिड में रखेंगे। फिर यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने मर्ज़ी से जो सभी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहे कर ले, मैं अपने मर्ज़ी से कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके अब हम यहाँ इसको ओके करेंगे, सही है। ओके करके इसको यहाँ सर्कल के अंदर रखेंगे, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करके इसका स्ट्रोक जो है जो हम वाइट कलर करेंगे और स्ट्रोक तकरीबन रखेंगे 11, से इसको टिक करेंगे। फिर यहाँ शेडो पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करके रेडियस 0 रखेंगे। उससे टेक्स्ट जो है वो तकरीबन हम रखेंगे -3, इसको टिक करेंगे, सही है। इसके हम एक और कॉपी बनाएंगे, डबल टैप करके यहाँ डी को रिमूव करके एस लिखेंगे, सही है। तो एस लिख कर इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे, सही है। फिर यहाँ एस पे क्लिक करके इसको टू बैक करेंगे तो ये डी के पीछे आएगा, सही है। फिर तरीके से करके फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हम ड्रीमस्केप लिखेंगे, ये मेरे चैनल का नाम है, Dreamscape555, सही है। इसको यहाँ पर हम ओके करेंगे, सही है। ओके करके इसको यहाँ डीएस के नीचे एडजस्ट करेंगे, सही है। इसको यहाँ पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट चेंज करके हम इसको यहाँ पर ओके करेंगे, सही है। फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर हम डी को भी लॉक करेंगे और एस को भी लॉक करेंगे, सही है। इसको लॉक करके फिर यहाँ पर हम इसको तरीके से इसको छोटा करेंगे। इसको छोटा करके इसको बेंड करेंगे, सही है। बेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पर बेंड करेंगे। इसका कलर जो है वो हम रखेंगे
ब्लू रखा तो ये, फिर यहाँ पर अपन टिक करेंगे, फिर स्ट्रोक पे आएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करके इसका कलर जो है हम थोड़ा वाइट करके, सही है, यहाँ पर वाइट रखेंगे। फिर हम यहाँ गैलरी में आएंगे, गैलरी पे क्लिक करके यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, सही है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको क्रॉप करेंगे, क्रॉप करके इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे, सही है। तो इस तरह हमारा लोगो बन चुका है। अब हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, सही है, लेयर पे क्लिक करके अब हम इन सारों को मर्ज करेंगे, जो लॉक है उसको अनलॉक करके इन सारों को हम मर्ज करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करके अब हम यहाँ नीचे इसका जो है स्ट्रोक है वो ऑफसेट जो है वो 21 रखेंगे, ब्लर रेडियस 11 रखेंगे, ऑफसेट का जो है वो -1 रखकर इसको टिक करेंगे, सही है, यहाँ पर टिक करके। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करके एम्बॉस पे क्लिक करेंगे, एम्बॉस पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसकी लाइट जो है 82 रखेंगे अपने हिसाब से, सही है, आप अपने हिसाब से रखें, सही है। इसका वेरिएबल जो है 151 रखेंगे, इंटेंसिटी जो है तकरीबन 44 रखेंगे, इसको टिक करेंगे, सही है, यहाँ पर टिक करके। फिर अब हम दोबारा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके यहाँ एम्बॉस पे क्लिक करेंगे, सही है, यहाँ एम्बॉस पे क्लिक करके फिर यहाँ पर हम लाइट एंगल जो है इसको हम सेट करेंगे, सही है, इसको यहाँ पर 297 अभी चेक कर रहे हैं कि किस पे सेट हो रहा है, सही है, इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट करके फिर यहाँ इसको हम टिक करेंगे, सही है, तो यहाँ पर टिक करके। तो व्यूअर इस तरीके से हमारा लोगो जो है वो बन चुका है, इसको हम यहाँ पर अब टिक करेंगे, सही है, इसको टिक करके आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें, मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। और हम इसको सेव करेंगे तो शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हम अल्ट्रा में इसको सेव करेंगे, सही है। यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा, तो हम इसको अल्ट्रा में सेव करके सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे, सही है। तो इस तरीके से हमारा लोगो जो है वो बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई मसला आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह पामान।